सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजा ग्राफी। अफगानिस्तान से आपके लिए कम वक्त में कोशिश करेंगे बड़ी अपडेट आपको दे दें। आपको बता दें सबसे बड़ी अपडेट यह है कि अब तालिबान अपनी वायुसेना एयरफोर्स बना रहा है, जिसका ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दूं कि बहुत जल्द तालिबान अपनी वायुसेना भी बना लेगा। और आपको बता दूं इसमें बड़ी खबर यह है कि जो कल तक अफगानिस्तान के कमांडर लड़ रहे थे, तालिबानियों को मार रहे थे, आज वो शामिल हो गए हैं तालिबान की सेना में और तालिबान ने कमांडर की उनको पोस्ट भी दे दी है। आपको ये बात बता दूं कि इतना ही नहीं है, अमेरिका ने जो अपने जहाज को, फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर को याद होगा, खराब कर दिया था जानबूझ के कि उसको तालिबान ठीक ना कर पाए, उसको दोबारा से ठीक किया जा रहा है। इसके लिए इंजीनियर्स हायर करे हैं तालिबान ने। इसके अलावा एक बड़ी खबर आपको और बताना चाहता हूं, मेजर फरीद अहमद पायलट रह चुके हैं अफगानिस्तान एयरफोर्स के, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है तालिबान को और तालिबान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तालिबान एयरफोर्स को लीड कर रहे हैं। और साथ में आपको यह बता दूं कि जो हेलीकॉप्टर फाइटर जेट उसको रिपेयर किया जा रहा है, उसमें भी उनका एक बड़ा अहम रोल है। उन्होंने कहा है कि इससे फर्क नहीं पड़ता है कि देश कौन चला रहा है, फर्क इससे पड़ता है कि हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए। और यह हमारा काम बनता है कि सरकार किसी की भी हो, हम अपना कर्तव्य, अपना काम सही ढंग से करें। जिसके बाद अफगानिस्तान सरकार को, पूर्व अफगानिस्तान सरकार को बड़ा झटका है कि अब बड़े बड़े कमांडर और सैन्य लीडर भी पूरी तरह से तालिबान के साथ जुड़ चुके हैं। दोस्तों हम लोगों को बड़ी खुशी होती है जब पूरी दुनिया में कहीं भी शियों को मारा जाता है, हम लोग खुश हो जाते हैं। मुसलमानों में एक ऐसा बड़ा तबका है जो शिया मुस्लिम को मुस्लिम ही नहीं मानता, मतलब इतनी नफरत है, हम अंधभक्तों को कहते हैं। कम से कम वो हिंदू होके दूसरों को हिंदू मानते हुए एक तो होते हैं, लेकिन कमाल है हम लोगों पर, जब कहीं पर हमारा दीनी भाई मारा जाता है तो हम खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। इसी तरह से अब वो फुटेज आपको दिखाना चाहता हूँ कि तालिबान के शासन में शिया समुदाय पर ISIS के मस्जिद पर हुए हमले के बाद क्या हाल हुआ था, इस वीडियो से देखिए। मस्जिद की धुलाई की जा रही है और सिर्फ एक वाइपर फेरा है, उस दरी में से खून ऐसे रिस रहा है कि जैसे दरी ने हजारों लोगों का खून जब्त कर लिया था। दोस्तों आपके सीने में दिल होगा तब आप इस बात को समझेंगे, वरना नफरत से अगर आपका दिल काला हो चुका है तो आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है। किन में, समझ रहे हो, आजकल जो सुअर भारत में नफरत फैला रहे हैं, अपने आप को भी उनसे अलग मत समझना। अब दोस्तों बड़ी खबर एक और सुन लीजिए, पाकिस्तान के ISI चीफ फैज अहमद और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी सीधा पहुंच गए अफगानिस्तान। जी हाँ, तस्वीरें आप देखिए, लेकिन पीछे से मेरी बात भी सुनते रहिए। बात यह है कि एक दिन पहले भारत ने तालिबान से मुलाकात करी थी, अब इसके बाद अगले ही दिन सीधा पाकिस्तान पहुंच गया। कहां पर? अफगानिस्तान। किससे मिलने? तालिबान से। बहरहाल चीजों को समझिएगा कि अब क्या क्या होने वाला है। इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि तालिबान के प्रधानमंत्री से पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने मुलाकात करी है। तालिबान के प्रधानमंत्री, अफगानिस्तान के तालिबान के द्वारा बनाए गए प्रधानमंत्री मोहम्मद हसन अखुंद बताया गया है, जिन्हें उनसे मुलाकात करते हैं। अब इन दोनों के बीच में, तालिबान और पाकिस्तान के बीच में क्या डील्स हुई हैं, आने वाली है सामने। दोस्तों आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना लिया है ताकि ससुरा कोई बैन ही ना कर सके, या आराम से नफरत फैलाएं, झूठ बोलें खुद। मतलब जैसे भारत में भक्तों के द्वारा कू बनाया गया, सरकार ने स्पॉन्सर करके कू बनवाया, वैसे ही उन्होंने अपना, ताकि वो नफरत, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, प्रमोशन नहीं करूंगा, उसकी नाम नहीं बताऊंगा। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप का ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कितना आगे जाएगा वक्त बताएगा। दोस्तों आप देखिए क्या से क्या हो गया, जिस व्यक्ति ने काबुल में धमाके किए थे, जिस तालिबान के व्यक्ति ने, लड़ाके ने काबुल में अफगानियों से लड़ते हुए धमाके किए थे, उसी लड़ाके को उसी जगह का, जिस जगह उसने धमाके किए थे काबुल में, काबुल का पुलिस कमिश्नर बना दिया गया है, अफसर बना दिया गया है। दोस्तों काबुल में एक बार फिर से महिलाओं के और लड़कियों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि उनका स्कूल खोल दिया जाए। अब उसकी फुटेज पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। ما صدای اطفال گروه نستیم، ما صدای اطفال گروه نستیم.
इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।